ओके जी, अभी हम ना हर्पीज़ वायरस जो है ना, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हर्पीज़ वायरस के बारे में इम्पोर्टेंट बड़ी बात है। हर्पीज़ वायरस जो होता है ना, ये हमारे पास होता है डीएनए इनवेलप्ड वायरस है। इसमें तो हर्पीज़ सिंप्लेक्स टाइप वायरस 1, हर्पीज़ सिंप्लेक्स वायरस 2, साइटोमिगेलो वायरस हो गया, ठीक है, वेरिसिला जोस्टर वायरस हो गया, और एब्स्टेन बार वायरस। इसकी जो है ना फर्द जो इसी की कंडीशन में होते हैं, एब्स्टेन बार वायरस हो गया, ठीक हो गया। हर्पीज़ जो होता है ना टाइप 1 जो होता है ना, ये फेस के ऊपर लेजन करवा देते, जबकि ये 2 है ना वो जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर जो है ना वो सारी की सारी जो है ना इसने पेनफुल वेजिकल बना देनी है। वेरिसिला जोस्टर जो होता है ना, वेरिसिला जोस्टर, ठीक है, ये क्या करवाता है, शिंगल्स वगैरह जो है ना, ठीक है, वेरिसिला मतलब चिकन पॉक्स, और जोस्टर जो होता है ना ये शिंगल्स करवा देता है, ठीक है। एब्स्टेन बार वायरस ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करवा देता है, मोनोन्यूक्लियोसिस करवा देगा, ठीक है। अब जो ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 हो गया, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 जो होता है ना, ये हमारे पास क्या करवाएगा, कैपोसी सार्कोमा। कैपोसी सार्कोमा हमारे पास करवा देगा, ठीक है। अब सबसे पहले है ना हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप वायरस 1, इसके बारे में बात करते हैं। हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप वायरस, ये हमारे पास फेस के ऊपर जो है ना वो सारी की सारी जो है ना वो माउथ और ऑन फेस, मुंह के ऊपर और फेस के ऊपर इसने ना लेजन करवा देनी है। अब इसके अंदर जो होता है ना वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, ट्राई जेमिनल गैंग्लिया जो है ना वो क्या होता है, वायरस जो होता है ना वो ट्रेवल करता है थ्रू ट्राई जेमिनल, ट्राई जेमिनल गैंग्लिया मतलब C5 जो गैंग्लियन है ना, ठीक है, लेटेंट सेंसरी गैंग्लियन, उसके थ्रू ट्रेवल करता है, स्किन के ऊपर जाता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो डिप्रेस कर देता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, आर्मी टेम्पोरल लोब को भी ये इफेक्ट कर रहा है, टेम्पोरल लोब को इसने भी इफेक्ट करना है, ठीक है, टेम्पोरल लोब को इफेक्ट कर देगा। नंबर सेकंड पे हमारे पास होता है हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 2 हो गया। 1 वाला ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के थ्रू ट्रेवल करता है, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 हो गया। नंबर सेकंड वाला जो होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2, ये जो होता है ना वो जेनिटियल्स के ऊपर जो होता है ना, जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर होता है, ठीक है, ट्रेवल करता है आपने लेटेंट सेंसरी मतलब लंबर और सैक्रल गैंग्लियन सेल के ऊपर ट्रैवल करता है, ठीक है, लंबर प्लस सैक्रल जो होता है ना वो गैंग्लियन उनके ऊपर ट्रैवल करता है, ठीक है। और ये न्यूनेट्स के अंदर जो होता है ना वो फैटल हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन करवा देता है, और ये भी हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉल, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से ये हमारे पास रिलेटेड है, ठीक है। अब ए सिम्टोमेटिक होता है, इसकी शेडिंग हो सकती है वो सारी की सारी। क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या होता है, जाइवो स्टोमाटाइटिस, क्लिनिकल फाइंडिंग में हमारे पास होता है जिनजाइवो स्टोमाटाइटिस। इसके अलावा हमारे पास एनसेफलाइटिस, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 है, टाइप 1 की बात कर रहा हूँ अभी, उनकी क्लिनिकल फाइंड जिनजाइवो स्टोमाटाइटिस, एनसेफलाइटिस मतलब दिमाग के ऊपर इसने करना है, एरिथीमा मल्टीफॉर्म, एरिथीमा मल्टीफॉर्म, न्यूनेटल और इसके अलावा हर्पीज लेबियलिस लब के ऊपर, हर्पीज लेबिया मुंह हो गया, मुंह के साथ लेबियलिस, हर्पीज लेबियलिस के ऊपर इसने इफेक्ट करना। जबकि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2 जो होता है ना वो हमारे पास जेनिटल हर्पीज करवा रहा है, एसेप्टिक मेनिनजाइटिस करवा देता है,
और एरिथ्रोमाइसिन। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सेल कल्चर में हमारे पास एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन और फ्लोरिसेंस एंटीबॉडी का।